हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं निधि, निधि झा। जय माता दी। आज नवरात्रा का तीसरा दिन है और मेरी हालत थोड़ी खराब है। कोई नहीं, तो मुझे लगा जब सुबह उठी तो मुझे लगा कि मैं कुछ आप लोगों से शेयर करूं। अच्छा लगता है बातें करना, अपनी बातें बताना, की बातें सुनना। मैं जो बताने वाली हूँ ना, वो बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग जान के भी अनजान मानते होंगे। अनजान नहीं, मतलब जानते होंगे पर सोचते होंगे कि ये किताबी बातें हैं। नहीं होता है, किताब में हर चीज़ लिखी होती है पर वो रियल लाइफ में नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम करना चाहें तो ज़रूर होता है। मैं भी ऐसी हूँ, आप लोग की तरह सोचती हूँ। बहुत सी चीज़ें नेगेटिव, बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव, ज़्यादातर नेगेटिव ही आती है पहले, पॉजिटिव तो आती है नहीं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं अगर पॉजिटिव हो रही हूँ तो क्यों ना मैं आप लोगों को भी बताऊँ। शायद आप लोगों में से 1% को भी मैं अगर पॉजिटिव बना सकूँ मेरी बातों से, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गया मेरे लिए। मेरे पास एक बुक आई है, कल पार्सल आया था। मैंने भी अपना ही कल पार्सल का ब्लॉग दिया था फेसबुक पर। तो ये पार्सल मैंने बाद में देखा, तो फिर मैंने उसे चुको नहीं। तो बुक है इसके बारे में, मैं रात में पढ़ी इसको। तो मुझे, मैंने कुछ ही पढ़ा, ज़्यादा नहीं, पर बहुत अच्छा लगा सुन के कि ऐसा होता है क्या, या हमारे अंदर भी ऐसी चीज़ें हैं। जानते हैं, उस बुक का नाम है, जो मैंने फर्स्ट में आपको दिखा दिया है फोटोज़ पे, ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर हैं। इनका नाम है जोसेफ मर्फी। इनकी बहुत सारी बुकें आई हुई हैं, तो मेरे पास एक ही बुक है। मैंने भी कहीं से सुना हुआ है, तो मैंने सोचा कि बार पढ़ लेते हैं, देखते हैं। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो हर तरह की बुक पढ़ती हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि बार पढ़ लेती हूँ, देखती हूँ क्या है इस बुक में। ये इनका नाम है जोसेफ मर्फी, और ये बुक का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। मतलब हमारा जो दिमाग है ना, उसके अंदर भी एक दिमाग है जो सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। वो सब जानते हैं पर कभी उसका यूज़ नहीं करते। यूज़ करते नहीं, मतलब पता होता है लेकिन ये नहीं जानते कि उसके पास पावर है। पावर क्या है ये भी नहीं जानते हैं सिर्फ। तो ये बुक मैंने जब सुनी तो मैंने सोचा ये सबकॉन्शियस माइंड पावर क्या होता है। तो मैंने कल रात इसकी कुछ लाइनें ही पढ़ी हैं, मतलब एक तो पेज पढ़े हैं। मुझे ना पढ़ने के बाद बहुत अच्छा फील हो रहा था, अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सच में ऐसा होता है, एक बुक में लिखा हुआ है। पर जब मैं सोचने बैठी तो पिछले कुछ ऐसे चीज़ें सोची जो मुझे लगा कि ये तो सच में, मतलब कभी हुआ है, हो जाता है। हम सोचते हैं सच में कभी सोची हुई बातें हमारी हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कैसे हुआ, मतलब हमने तो ऐसा कुछ इसके लिए किया ही, कोई एफर्ट ही नहीं डाला था, ऐसा भी होता है। पर मैंने जब ये बुक पढ़ी तो मुझे लगा कि नहीं नहीं हम एफर्ट तो डालते हैं, पर हमें नहीं पता चलता कि हमने कब एफर्ट डाला है और कैसे डाला है, किस मूड से डाला है। इस बुक में वो सारी चीज़ें इस तरह से बताई गई हैं। अब जब इसको मतलब समझेंगे ना तो आपको फील होगा। वाकई बहुत अच्छी बुक है यह, और इसमें जानते हैं ऐसे ऐसी बातें लिखी हुई हैं। कभी कभी ऐसा लगता है, कभी आप सोचते हैं कि मेरे पास ये है, और मेरे दोस्तों के पास ऐसी चीज़ें हैं, मेरे पास घर नहीं है। लोगों के पास घर, मकान, बड़ी बड़ी फ्लैट सब हो जाते हैं। कोई कोई कितना खुश रहता है, कुछ कितनी भी तकलीफ हो फिर भी खुश रहता है। हम क्यों नहीं खुश रह पाते हैं, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कितनी सारी मतलब चीज़ें दिमाग में हमेशा आती रहती है। खाली बैठो तो ये सब आता रहता है। लेकिन जब आप ये पढ़ेंगे ना, पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें आपको मोटिवेट भी करती हैं, जैसे कि मुझे इसने किया है। मैंने ये पढ़ी तो मुझे लगा कि जो नहीं, हम अगर चाहें करना तो कर सकते हैं। ये नहीं कि एक दिन में आज ही कर लेंगे, नहीं, टाइम लगता है हर चीज़ के लिए।
ये तो मानना पड़ेगा, और ये पढ़ने के बाद थोड़ा पेशेंस भी रखना पड़ेगा कि धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये जल्दी नहीं समझता है। जब समझ जाता है तो फिर ये करने में टाइम नहीं देता, ये अपना काम करके रहता है। ये हमारे ऊपरी दिमाग के ऊपरी की तरह नहीं है कि जो जो हुआ अभी रिएक्ट कर दो, गुस्सा आया अभी कर दो, रोना आया अभी रो लो, ये नहीं, ये धीरे धीरे काम करता है, इसका पावर यही है। और आगे भी पढ़ूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि इस बुक में और ऐसा क्या है। बहुत अच्छी चीज़ें हैं इस बुक में, मैं आपको इसकी कुछ कुछ लाइनें पढ़ाऊँ बताऊँगी, इसके कुछ कंटेंट मैं आपको बताती हूँ, उसको पढ़ के आपको आपको सुन के अच्छा लगेगा। मतलब पढ़ के नहीं, पढ़ तो मैं रही हूँ। कुछ प्रश्न के उत्तर, जैसे इसकी चमत्कारी शक्ति, मतलब ये चमत्कार भी करते हैं हमारे अंदर के, जो सबकॉन्शियस माइंड ही चमत्कार भी करते हैं। और ये इनका लिंक डायरेक्ट भगवान से होता है, मतलब उन्हें बोलते हैं ना कि कैसे होता है, सच में होता है। कभी कभी आप देखेंगे आप बहुत परेशानी में हैं, मतलब आपको लगेगा कि कैसे होगा कैसे होगा, लेकिन ये जब हम अंदर से सोचते हैं ना, जब हमारा दिमाग ऊपरी दिमाग बंद हो जाता है, भीतर के दिमाग में जब चीज़ें जाती हैं, तो वो ना हमारी चीज़ों को अनचाही रूप से आसान कर देते हैं। ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया। आप कभी कभी सोचेंगे कि सच में भगवान थे। हाँ, होते हैं भगवान। क्यों? तो हमारे अंदर जो आत्मा होती है ना, वो इतनी प्योर है ना, कि उसके ऊपर ऊपर जो ये परत चढ़ी हुई है ना, इसकी वजह से वो अंदर तक की हर बात नहीं जाती है। और कब जाती? जब हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, जो अंदर से खुश हो जाते हैं, तो ये बातें ना परमात्मा तक जाती हैं। और ये परमात्मा तक कौन लेके जाता है? ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड लेके जाता है, ये बात तो पक्की है। इस बुक से पढ़ के मुझे ये फील हुआ है, फील हुआ कि मतलब समझ में आया है कि ऐसा होता है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमारे पास्ट में ऐसे हो जाती हैं, हम उस टाइम सोचते हैं भगवान है, ये है, वो हम ही करते हैं, वो हमारे दिमाग से ही होता है, वो बस वही हमारा प्योर सोल जो है ना, उसको हमें जागृत करना है। चलिए देखते हैं, आगे भी बताऊंगी आपको। धन्यवाद।